तरह भी। थैंक यू। पता है इसमें जो जरी का काम है ना, ये और ये और ये असली सोना चांदी है। अरे पुराने जमाने में तो नकली का कोई काम ही नहीं होता था जैसे आजकल है। मैं ना हर लोहड़ी पे बहुत तैयार होती थी और लाला जी मुझे देख के तो पागल ही हो जाते थे। अरे ऐसे देखते थे जैसे पहली बार देख रहे हो। क्या मेरा सुरमा, क्या मेरा मांग टीका, क्या मेरे झुमके, क्या मेरी झांझर, अरे सबकी तारीफ करते नहीं थकते थे। और मैं भी हर लोहड़ी पे खूब सज के जाती थी। पीछे पीछे क्या हुआ? कुछ नहीं पुत्र। आप अपने हम सफर के साथ कितना भी लंबा वक्त क्यों ना निकालो, पर ऐसा लगता है कि बहुत कम था। सोचती हूँ कि लाला जी कुछ, खैर तुझे भी ऐसे लगेगा जैसे जैसे साल बढ़ेंगे ना, एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल हो जाएगा और प्यार भी बढ़ता जाएगा। मेरी नीति को बचा लीजिए डॉक्टर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके पैर पड़ता हूं। प्लीज प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज छोड़ दो प्लीज। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी नीति अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं डॉक्टर, डॉक्टर मेरी नीति को बचा लीजिए, वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मेरी वाइफ है डॉक्टर प्लीज। पर तू क्यों रो रही है? तेरा पति तो तेरे साथ है और रब करे कि तुम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। ओले भूल ही गई, मोहल्ले की सहेलियां इंतजार कर रही हैं बाहर मेरा, मैं जा रही हूँ, तू जल्दी से तैयार होके आ जा। और सुन एकदम पंजाबन मुटियार बन के आना, ठीक है? मिलते हैं बाहर ही। पेशी जिस दिन आपको सच पता चलेगा, पता नहीं उस दिन क्या होगा। आपको अपनी परी और राजीव पे कितना भरोसा है, पर हम ही आपको धोखा दे रहे हैं। ऐसे सह पाएंगे आप ये सब? मैं तो अब आपकी बहू हूं ही नहीं, फिर भी जो प्यार आपने मुझे दिया है ना, उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। आज ना बहुत हैंडसम लग रहे हो, एकदम पंजाब के बब्बर शेर की तरह। आप पर वीरे कहीं मम्मी जी के आते शेर कहीं बिल्ली ना बन जाए, कहीं मम्मी जी इन्हें देख के इनसिक्योर ना हो जाए और कहती कि जाओ जाके कपड़े चेंज करके आओ और पापा जी चल दे। ओए गर्लफ्रेंड, अब पहली बात तो ये है कि मैं तेरी मम्मी से डरता नहीं हूँ। बाकी वहाँ उसकी पुरानी आदत है कि मैं अगर सुंदर लगू तो उसे प्रॉब्लम हो जाती है। इनसिक्योर है ना, मुझे उससे भी सोनी कुड़ी आज भी मिल सकती है। क्या बात है। और उसे उसे मेरे जैसा समझदार पति और कभी मिल नहीं सकता। सही बात है, ये कह रहे हैं। एक बार आप दोबारा बता दीजिए की कहा जी आपने? मर गए पापा जी। ओ चुप रहे। ओ कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। वैसे मैं ये पूछ रहा था कि अकेले अकेले कितने चली फूल बनके? फूल बनके? हाँ, और गोपी था यही डायलॉग बाजी आपसे ना हर साल सुनने को मिलती है। लोहड़ी पर आप हमेशा यही बोलते हैं। अरे कभी लोगों से भी तो पूछिए, आपके घर के गोभी का फूल असल में खूबसूरत गुलाब का फूल है। ओहो, आजकल की कुड़ियां भी पानी भरती है मेरी खूबसूरती के सामने। हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी। देखो ओए होए, ओ मैं मर जावा, इसीलिए तो मैं ओल्ड वोटी को गोल्ड वोटी मंदा। प्यार या शराब वो जितने पुराने होते हैं ना उतने ही ज्यादा नशा देते हैं। कुछ भी। अच्छा ये बात है, तो फिर आज अपनी पम्मी को वैसे ही प्रपोज कर जैसे शादी के बाद पहली लोहड़ी को किया था। हाँ तो ठीक है मम्मी जी, और तुसी कह रहे हो तो कर देते हैं। मम्मी जी बिना इन बच्चों के सामने क्या करवा रही है? रजाई जी भी उड़ी घोड़ी लाल लगाओ। यस। भाभी ये ताऊ जी क्या कर रहे हैं?
मुताई जी ने बताया था कि आज के दिन ना लड़के पहले अपने हाथों से ना लड़की तोड़ देते थे और अगर लड़की की हाय ना तो फिर वो दूसरी जगह से जाके ना लकड़ी को ले लेती थी और फिर दोनों जने जाके ना लकड़ी को आग में फेंक देते थे और अगर लड़की की ना है ना वो आग में खुले डाल देती। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ओए पम्मी, तो की ख्याल है, बंदा है मेरी बोटी। जमाना बदल गया है जी, मैंने भी सोचा मैं भी कुछ हटके अलग करती हूँ। ठीक है तो क्या कहते हैं साथ में मिलकर लकड़ी आग में डालें? बिल्कुल, पाओ जी पाओ, आ जाओ। इसी खुशी में ढोल बजाओ जी, ढोल। ढोल नहीं, पहले बोल, पहले बोलेगी बोली। ओ बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदी, खटके ले आंदी तलवार। ओ पंगड़ा ता सजदा जे नचे सारा। छेती कर हरमन, पहले बहुत लेट हो गया सानू। तुसी टेंशन ना लो पर जाए जी, बस होने ही चलते। अच्छा वो गचक के सारे डब्बे बना ले सी ना, परिणीत दी पहली लोड़ी है, अपने पड़ोसियों में भी तो बांटेगी। तुसी टेंशन ना लो पर जाए जी, इतनी सारी मिठाई ली है कि वो सारे पिंड में बांट सकती है। फ्री का माल है ना, लुटा दो सब। अरे आस पास में ही क्यों, पूरे चंडीगढ़ में बंटवा दो। महारानी परी की पहली लोड़ी जो है जी, ये रख के आता हूँ। हाँ डबी लेकर आ गई। मैं जानती हूँ मनदीप, तुझे बुरा लग रहा है ना कि आज लोहड़ी वाले दिन हरमन को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, पर तू तो जानती है ना परिणीत की पहली लोहड़ी है, उसके घर शगुन लेकर जाना तो बनता है ना। जब पता है बुरा लग रहा है तो क्यों आग में घी डालने का काम कर रही है आप? मनदीप, जब भी मुझे उसके घर जाना होता है तो क्यों मुंह फुला कर बैठ जाती है? मुंह ना बनाओ तो क्या करूं, ढोल बजवाओ? नहीं नहीं, भांगड़ा करती हूँ। मेरे पति को जब देखो जब इधर से उधर नचाती रहती हूँ और कुछ काम नहीं है, और मुझे कह रही हो कि मुंह फुला रही हूँ मैं। जब परिणीत इस घर में थी तब भी घर का माहौल खराब रहता था, और आज जब परिणीत इतनी दूर बैठी है तब भी इस घर का माहौल खराब करके रखा हुआ है। आप और आपकी बीवी क्या? बस मनदीप, रब्दा बास्ता, इससे आगे कुछ मत बोलना। मनदीप, कितनी बार कहा है तुझसे कि परजय जी से इस तरह बात मत किया कर। हरमन, आप भी? हरमन, ये कोई तरीका है बात करने का उससे? छोड़ो परजय जी, चलो परिणीत के घर पहुंचने में काफी देर हो जाएगी। चलिए परजय जी। एक बात पूछनी थी हरमन, परिणीत के घर वालों को बुरा तो नहीं लगेगा ना कि हम बिना बताए उसके घर चले गए? इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है परजय जी, उल्टा उन सबको अच्छा लगेगा कि परिणीत के पहले लोहड़ी पे हम उन्हें शगुन देने आए हैं। और वैसे भी भर जाए जी, परिणीत हमारी बच्ची है, उसे आशीर्वाद देना तो बनता है ना। तो उसे इतना मत सोचो, शादी करो चलो। और मनदीप? उसकी टेंशन मत लो, वो खुद ही ठीक हो जाएगी, तो उसे शादी करो, आ जाओ। मजा आ गया डांस करके। ओए बच्चों, सारे जने यहाँ आओ, आ जाओ आ जाओ।
आ बीजी आए बीजी आ गए आजा आजा मजा आ गया आजा बैठो 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 ओ जल्दी आओ कुड़ियो गरमा गरम मूंगफलियां हो जाए इधर दीजिए भी वंड खाओ खंड खाओ कहते हैं कि बांट के खाओ तो मतलब मीठे जैसा स्वाद आ जाता है इनको भी दो कुड़ियों को खलो जा वेट कर ला थोड़ी जी भर लो मुठिया प्लेट वापस करनी है इनको ले भाई खा ले उन जिन्नी खानी है अब मेरी बात पे गौर फरमाओ मुझे बच्चे ये बताओ कि लोहड़ी क्यों मनाते हैं हाँ भैया मुझे पता है लोहड़ी इसलिए मनाते हैं क्योंकि सर्दी बहुत तेज होती है सब लोग आग के सामने बैठते हैं आग सेकते हैं डांस करते हैं मूंगफली खाते हैं मतलब फुल और मस्ती करते हैं जैसी बकवास शक्ल वैसी अकल मैंने ये नहीं पूछा कि कैसे मनाते हैं मैंने पूछा क्यों मनाते हैं गोलू तू बता बेटा आप बताओ जी वही बस मस्ती करते हैं रेवड़ी खाते हैं गज्जे खाते हैं फोटो खिंचवा लेते हैं और तो क्या फिट हाल है तुम सारे बच्चों का कख नहीं पता तुमको बस सारा दिन मोबाइल पे सोशल मीडिया में बिजी रखो इनको खोते कहीं के और लोहड़ी इसलिए मनाई जाती है कि इसके बाद से ना वो ठंड भरे दिन ना जाने लगते हैं और सर्दी कम होने लगती है और इसके साथ साथ ना फसलें पकनी शुरू हो जाती है तो हम ना सब मिल के भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि रब्बा तूने बड़ी मेहर रखी है फसल यहाँ तक पहुँची है आगे भी मेहर बनाए रख रहा है कि फसलें पक जाए दाने निकल आए घर घर में अनाज हो मतलब बरकत बनाए रखे हम पे सब पे सब परिवार वालों पे इतनी मेहर रखी है तो आगे भी रखना हमारा वंश आगे बढ़े पर बीजी वंश आगे कैसे बढ़ता है अरे हंस क्यों रहे सब तेरे जैसे छड़े को क्या पता कि वंश आगे कैसे बढ़े बल लड़कियां पटाता उसके आगे क्या गोलू बेटा भाई को कुछ सिखाया कर समझाया कर बीजी मैं क्या सिखाऊं ये बचपन से ऐसा अरे पर बीजी आपको नहीं पता आपका ये पोता मोंटी है ना कितनी पहुंची हुई चीज है पता है इसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं फिर भी मैंने देखा आज तक लड़की के पीछे पीछे जा रहा था ये नहीं बीजी ये झूठ बोल रही है इसकी बातों में मत आना अच्छा ओए मोंटी तू ऐसी हरकतें करता नहीं हाँ बीजी सच्ची मैंने अपनी आँखों से देखा है आज अच्छा पर तुझे इस बात से इतनी जलन क्यों हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा दिल मेरे पोते पे आ गया बीजी नहीं यार कम से कम आप तो मेरी साइड लो हाँ हाँ जरूर लूंगी मेरी बहू बन जा तेरी साइड ही हो जाऊंगी पूरी मम्मी क्या बीजी आप मेरी गलत सुनो बच्चे ने वो गाना सुनाओ जो हम लोहड़ी मांगने जाते थे ना तब गाते होते थे सुंदर मुंदरी है हाँ वही 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 चलो मैं गाती हूँ हो करना सारे ओके सुंदर मुंदरी है तेरा कौन बेचारा दुल्हा पट्टी वाला दुल्हे धीवे आई फिर शक्कर पाई पर बीजी 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 ये तो ठीक है पर हम डांस कैसे करेंगे इस गाने पे तो डांस ही नहीं आता हमें कुड़िए तू पंजाबनी है ना हाँ जी पंजाबियों को तो डांस सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और पंजाबी औरतें तो अपने मर्दों को अपने इशारों पे नचा लेती हैं तू कह रही कि तुझे नाचना नहीं आता है चल कोई बात नहीं सिखा दूंगी मैं हैं करना क्या बस ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आना और फिर क्या करना फिर ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करना फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे दे एक दो बार देख लेगी ना सीख जाएगी समझ आई हाँ रिहर्सल करेगी एक बार हाँ जी चलो फिर बजाओ भाई परी क्या है मम्मी जी बाल क्यों पकड़े छोड़ो क्या किया तूने मम्मी जी मैंने मैंने कुछ नहीं किया आप छोड़िए मुझे पता है जो तूने किया है अच्छे से देखा है मैंने ऐसा क्या देख लिया मम्मी जी आपने मैं तो डांस कर रही थी और गलती से लग गया होगा ना उसको गिर गई होगी मैंने नहीं गिराया है मैंने अच्छी तरह से अपनी आंखों से देखा कि तूने परी के साथ क्या किया बीजी
बीजी रहने दीजिए, शायद गलती से धक्का लग गया होगा और मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं, वहाँ जाने दीजिए ना। तू तो ठीक है पुत्र, लेकिन इसने जो किया ना वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। माफी मांग परी से। नहीं नहीं बीजी, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जी, मैं इससे माफी मांगूंगी। हाँ, इसी से माफी मांगेगी तू। गलती की है सबके सामने, तो माफी भी सबके सामने मांगेगी। बात को ज्यादा मत बढ़ा, माफी मांग। और परी के साथ जो तूने किया है ना, पहली बार नहीं है, गांव में भी तूने परमिंदर के साथ बहुत कुछ किया है। सही, चल, गलती सबके सामने की है ना, तो सबके सामने माफी मांग। मांग माफी। परी, मैनू माफ कर दे। सॉरी। बीजी, हाँ, इतनी मुश्किल से सॉरी बोल दिया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? उबजाओ ढोल शोल गाना, मैं भी नाचूंगी। मम्मी जी, आपने अच्छा नहीं किया। उस दो कौड़ी की मनहूस परी के लिए आपने मुझसे सबके सामने उससे माफी मंगवाई, सबके सामने मेरी बेइज्जती की। ठीक नहीं किया आपने। हम जी तो भर रहा था कि मम्मी जी को वही बता दूंगी जिस कुड़ी की इतनी तारीफ कर रही है ना, वो इस कार की बहू है ही नहीं। अच्छा होता मम्मी जी को सच पता लग जाता, जिस कुड़ी को इतना प्यार करती है ना, वो कुड़ी उनसे कितना बड़ा झूठ बोल रही है। मम्मी जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती, अच्छा होता। शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। बड़ी बाजी जीतने के लिए छोटी छोटी बाजियों पर अपना दिमाग मत लगा गुरिंदर। मम्मी जी, आपने मुझसे माफी मंगवाई है ना, अब देखना इस माफी का बदला मैं कैसे लेती हूँ। इस परी नू ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि हमारे बाजवा खानदान की बहू तो क्या, किसी के भी खानदान की बहू बनने से डरेगी। शादी के नाम से ना इसकी आत्मा कांपने लगेगी।